हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम दशराज और आप देख रहे हैं द सोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ब्रदर के लेजर प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग का वीडियो मेरे बहुत पहले का बनाया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं वीडियो ये प्रिंटर यूज करने के बाद ही यूट्यूब पर डालूंगा और आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। तो ब्रदर प्रिंटर का मॉडल नंबर है DCP-L25D। ये ब्रदर प्रिंटर का मॉडल नंबर है और ये एक लेजर प्रिंटर है और इसके अंदर अपन प्रिंट, स्कैन, फोटोकॉपी तीनों ही एक साथ कर सकते हैं। और इसके अंदर खासियत ये है कि अपन कोई भी अगर आधार होता है या छोटा इस तरीके का कोई भी आईडी कार्ड होता है जो दोनों साइड से हमारे को फोटोकॉपी निकालना होता है एक ही पेज के अंदर, तो हम एक बार में ही इसको स्कैन करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, ये बड़ी बात है कि इसके अंदर अपन कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट या फिर फोटोकॉपी A4 साइज का अपन आगे पीछे का प्रिंट अगर देना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर ड्यूप्लेक्स सिस्टम है, जो दोनों साइड अपन फोटोकॉपी बिना पेपर है दूसरी बार डालें तो एक ही बार में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब मैं इस प्रिंटर का पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखा देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात मेरे को ये लगी कि जहां पर लाइट डिम रहती है या कम रहती है तो वहां पर ये थोड़ा सा प्रिंटर है वो दिक्कत करता है, क्योंकि ये लेजर प्रिंटर है और ये वोल्टेज है बहुत ज़्यादा लेता है। अगर आपके वहाँ कहीं भी अगर लाइट का वोल्टेज बिल्कुल सही रहता है तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर वोल्टेज कम रहता है तो थोड़ा ये लाइट है वो थोड़ा सा झमझमा देता है। तो अब मैं आपको पूरा इसका लाइव करके दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप आज इस वीडियो में ब्रदर प्रिंटर का अनबॉक्सिंग रिव्यू करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हो ये मेरा DCP प्रिंटर है 2520D। इसको मैंने ओपन कर लिया है, कार्टून को मैंने ओपन कर लिया है। इसके साथ में ये कार्टेज आया है और CD आई है और एक ये प्रिंटर को PC से कनेक्ट करने के लिए ये केबल है और पावर केबल इसके साथ में है। इसको मैंने ओपन कर लिया है, आज इस तरीके से आप देख सकते हो ये इसके अंदर है। इसके ऊपर प्लास्टिक था तो प्लास्टिक मैंने ओपन कर लिया है। अब हम इसमें कार्टेज भी डालेंगे, इसको ओपन करेंगे और पावर केबल आप देख सकते हो इसके साथ में ये दी गई है और इस तरीके से इसका इंटरफेस है। यहाँ पर इसमें रिम लगेगी और यहाँ पर इसका डिस्प्ले दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर मेनू बॉक्स है, ये पावर ऑन करने का है, यहाँ ऑप्शन या ID या टू साइड और यहाँ स्कैन का दिया गया है। तो अब हम इसमें यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से ओपन करेंगे और ये ऑरेंज कलर वाला है, इसको खींच के इसको रिमूव करेंगे। इस तरीके से अपन ओपन करेंगे, इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, फिर इसको अपन खींचेंगे और बाहर निकाल देंगे और इसके अंदर अपन कार्टेज को फिट करेंगे। यहाँ पर इसका रोलर दिया गया है और इसके अंदर हम इस कार्टेज को लगाएंगे जो हमारे इस साथ में ये आया गया है। इस कार्टेज को अपन ओपन करके लगाएंगे और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ट्रे दी गई है, इसके अंदर हम रिम लगाएंगे, पेपर इसके अंदर डालेंगे और हमारा जो प्रिंट आएगा वो यहाँ से आएगा। इसको भी अपन खोलेंगे, यहाँ से इस टिप को रिमूव करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से भी इसको रिमूव कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये कार्टेज मैंने ओपन कर लिया है। अब इस ऑरेंज वाले को रिमूव करना है और फिर हम इसके अंदर फिट करेंगे। अब हम यहाँ से ये ऑरेंज दिख रहा है, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो ये हो गया है रिमूव। अब इस कार्टेज को हम इसके अंदर लगाएंगे, वो थोड़ा गाइडलाइन में अपन देख लेते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कार्टेज ओपन करना है और इस तरीके से इसमें लगाना है, फिर वापस फिट करना है। तो मैं ये लगा के फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने ऑरेंज वाला रिमूव कर दिया है। इस कार्टेज को अपन ऐसे इसके अंदर रखेंगे और इसको थोड़ा इस तरीके से दबाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं हम थोड़ा इसको दबाएंगे तो ये लॉक है, ये फिट हो गया है। अब हम इस कार्टेज को इसके अंदर है वो लगाएंगे प्रिंटर के अंदर, तो ये कार्टेज फिट हो गया है। इसको अपन ओपन करेंगे और इसके अंदर यहाँ से अंदर डालेंगे धीरे धीरे आराम से ताकि ये फिट हो जाए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से
ये हमने दबा दिया है और ये फिट हो गया है। अब हम इसको वापस बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेपर डाल दिए हैं इसके अंदर, और इस ट्रे को हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं। ये ट्रे लॉक हो गई है और इसका पीछे का पार्ट देख लेते हैं कि एक चिप हमारे को ये भी उतारनी पड़ेगी। इसके अंदर ये चीज़ें होती है कि यहाँ पर अगर हमारा पेपर इसके अंदर कभी भी फंस जाएगा तो इस ट्रे से हम वापस से बाहर निकाल पाएंगे। तो ये बाहर निकालने के लिए ट्रे है और यहाँ से वापस बंद कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, नहीं तो वापस बंद हो जाएगा। तो इस हम इस चिप को भी यहाँ से उतार लेते हैं, इस तरीके से रिमूव कर लेते हैं और इसको पैक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कंप्यूटर से केबल अटैच करेंगे, वो लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो इंटरफेस है, और इसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने सीडी अपने सिस्टम में लगा दी है और ये सीडी लगा दी है। अब हम यहाँ पर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे कि इसका कैसी आवाज़ आती है कैसी नहीं। यहाँ पर हम केबल लगा लेते हैं, इसको ऑन करते हैं, और यहाँ पर ये बटन दिया गया है ऑन करने का, इसको प्रेस करते हैं। तो ये अभी ऑन हो रही है, मशीन चालू हो गई है, इसमें थोड़ी सी आवाज़ आने लग गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिस्प्ले भी आने लग गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक में आ गई है। हम अब इसको ओके कर लेते हैं, और यहाँ पर ये कॉपी के लिए रेडी है, इसको ओके करते हैं। ये ऑटो बता रहा है, बीप ऑटो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्कैन करने के लिए और फोटोकॉपी करने के लिए दिया गया है इस तरीके से। अभी हमारे पास आधार है, इसकी अपन कॉपी निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है। आधार हमने रख दिया है और यहाँ पर हमने 2 इंच ID पे क्लिक किया और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक किया। अब ये इसके अंदर से स्कैन होगा और उसके बाद में इसको चेंज करेंगे, अपन दूसरी साइड में रखेंगे इस तरीके से। और अब हम वापस से इसको स्टार्ट पे करेंगे तो दूसरी साइड में स्कैन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेपर आ गया है, और इसकी क्वालिटी देखते हैं तो ये इसकी क्वालिटी बेस्ट आई है, लेकिन इसके अंदर जो फ़ोटो था फ़ोटो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फ़ोटोकॉपी बिल्कुल बेस्ट आ रही है। इसमें कोई झिझक की बात नहीं है और बेस्ट तरीके से फ़ोटोकॉपी आई है। अब हम इसको यहाँ से और अब हम इसका अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, और इसके बाद में और भी हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में कि इनकी क्वालिटी कैसी आती है, उसके बाद में आपको और कभी वीडियो में बताएंगे। तो अब हम इसको केबल वगैरह मैंने लगा लिया है, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह हम इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये मैंने प्रिंटर ख़रीदा है 12,500 में, और आप भी अगर ख़रीदना चाहते हो अमेजन से तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन कहीं मार्केट से लेते हो तो आपको प्रिंटर सस्ता भी मिल सकता है, ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।